इंडिया, मैं हूं शेख जूही। लोकसभा चुनाव के लिए अब प्रचार अभियान जोर पकड़ता नजर आ रहा है। प्रचार अभियान की शुरुआत के साथ ही नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले भी तेज हो गए। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर तीखा हमला किया। हेमाराम चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता एक जनसभा में मारवाड़ी भाषा में रविंद्र भाटी को खेजड़ो कहा। खेजड़ो का मतलब होता है कि पागल हूं, जिसे काबू करना संभव नहीं होता। हेमराम के बयान पर भाटी की ओर से भी पलटवार किया गया। भाटी की टीम ने खेजड़ो की खासियत बताते हुए कहा, रेत और रेगिस्तान का साथी है खेजड़ो। दरअसल बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने उम्मेदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर भाजपा से केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी प्रत्याशी हैं। इन दोनों की टक्कर को त्रिकोणीय बना दिया है शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। भाटी की जनसभाओं में लोगों की भीड़ जुट रही है, जिसे देखकर भाजपा कांग्रेस दोनों दलों के नेता परेशान हैं। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमाराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर तीखा हमला किया। गुड़मालिनी विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष हेमाराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें राजस्थानी देसी भाषा में खेजड़ो हुआ ऊंट, मतलब पागल ऊंट बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार तो सिर्फ पार्टियों के होते हैं, बिना पार्टियों के उम्मीदवार बिना लगाम के घोड़े और ऊंट की तरह होते हैं, जिन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अपनी भाषा में कांग्रेस नेता ने रविंद्र सिंह भाटी पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए मारवाड़ी में कहा कि शिव विधानसभा में इस बार उभे लकड़ फट चुके हैं, ये नहीं है कि बार बार फटेगा, मतलब कि पेड़ से काटकर उगाई गई लकड़ियां कभी कभार उगती हैं, हर बार ऐसा नहीं होता। देखिए और सुनिए हेमाराम चौधरी ने क्या कहा। तो अपन देखिए, हमें हदय उभा लकड़ी फाट, हदा नहीं फाटे, एक भाज गया, एक डैम की भाज गई, हम ऐसा रोज रोज डैम की नहीं भाज, और मैं तो किमी भले ही कोई बोल तो बार ऊपर हमसे कहता खिजड़ो ऊंट, खिजड़ो ऊंट बिना मोरी को ऊंट, खिजड़ो है तो है मोरी भी कोनी, हमें रोको की कर दी तो रुके के कह है दो रहा, मैं था कौन ऊंट था कौन ना कहता ऊंट रुके है। हाँ ठीक है, नहीं तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अब आ रहा है कहता नहीं वो भी है तो वोट मारा ही तोड़ी तो वो अपनी पार्टी रो नहीं बड़ी पार्टी को टिकट मिले कोई जरा निर्दलीय खड़ा हो गया, टिकट नहीं मिली निर्दलीय खड़ा हो गया, वह कड़ा जिकी जिकी में विश्वास करे, वो मकसद सिर्फ एक ही एमएलए बन लो, एमएलए को संतोष नहीं है एम भी बन लो, इन अलावा मन तो भी नहीं ला गया, लेकिन मैं यूं कर दे यूं कर दे आसमान तारा तोड़ते किकर तोड़ दे, एकला तारा किकर तोड़ दे, पार्टी आऊं तो टूटे ही कौन तारा, एक आदमी किधर तारा तोड़ दे, मेरे समझ में आई कौन तारा कहेंगे तोड़ी, हमारा अखबार फटियो वही थे को नहीं फटियो, दो हैंड पंप आया है ए तारा तोड़ गया, यूं बताई तारा तोड़ी कहीं दो हैंड पंप तो तारा तारा ही तोड़ी, पर मिनक है मन को उठानी पड़ेगी कि कभी कभी मिनक की सिंगर छट जी है गाय हरी जी में खावे नहीं बजे बाद में सिंगर छड़े कौन छड़े दाबी नहीं रहे मैं सिंगर छड़ लड़ाए पर फिर है लोग ठीक रहे हो तो भले ही सिंगर छड़े निकल मजबूत रहे हो, समझाओ लोगों ने कि अपने कांग्रेस में हो, कांग्रेस ने वोट देना है, कांग्रेस उम्मीदवार उम्मीदवार। और अब हेमाराम चौधरी का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके जवाब में रविंद्र सिंह भाटी की टीम की ओर से सोशल मीडिया पर हेमाराम चौधरी के हर तंज पर जवाब दिया गया है और लिखा गया है, रेत और रेगिस्तान का साथी खेजड़ो, धोरों में रहने का आदि खेजड़ो, बाड़मेर जैसलमेर और बलतरा का अभियान है खेजड़ो, ओरण का सहयोगी है कि खेजड़ो, धोरों में पानी की पकड़ ढोएगा खेजड़ो, गरीबों का सहारा बनेगा खेजड़ो, अच्छे अच्छों के नकाब उतार रहा है खेजड़ो, कुंठित मानसिकता वालों को भी स्नेह से देख रहा है खेजड़ो, 36 कौमों का भरोसेमंद है खेजड़ो, वोटों से भरे बोरे दिल्ली ले जाएगा खेजड़ो, मोदी शाह के सामने टेबल बजाकर रेगिस्तान की बात रखेगा खेजड़ो, दिल्ली से विकास के बारे में बोरे भर लाएगा खेजड़ो, पार्टी पूतों की लंका लगाएगा खेजड़ो, बिना मोहरी यानी लगाम का है तभी पार्टियों का गुलाम नहीं खेजड़ो, मोहरी लगाम वालों की तरह सिर्फ मंत्री बनने को नहीं होएगा खेजड़ो,
आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे और खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।